हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल शुक्रवार को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में बने कोरोना वार रूम में वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डीसी जयवीर सिंह आर्य भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर आमजन से भी ये वैक्सीन जल्द लगवाने की अपील की। जेपी दलाल ने कहा कि जब हर कोई सावधानी रखेगा और वैक्सीन लगवाएगा तभी जाकर हम कोरोना से जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि भारत देश सबसे पहले कोरोना फ्री होना चाहिए। कृषि मंत्री ने यह कहा कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार धीमी रफ्तार के बाद फिर से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने लगे हैं। इसी बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है और आमजन से भी जल्द ये वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना केवल भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फिर से बढ़ा है, इसकी सावधानी में ही बचाव है, जिसके लिए सभी को मास्क पहनना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोरोना दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि विश्व में सबसे पहले भारत कोरोना फ्री होना चाहिए और दुनिया में सबके सामने ये संदेश जाए कि हमारा हेल्थ सिस्टम सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि सभी लोग सावधानी बरतेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो एक बार फिर से खतरे की घंटी है। हालांकि भिवानी में दूसरे जिलों की बजाय फिलहाल राहत है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को जागरूक। कोरोना वैक्सीन का जो पहला शॉट है वो मैंने लगवाया है और मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी अपनी बारी पर इस वैक्सीन का उपयोग करें और मोदी जी का जो लक्ष्य है पूरे भारतवर्ष को कोरोना से मुक्ति दिलवानी है, विश्व में सबसे पहले भारतवर्ष मुक्त हो और दुनिया में भी ये संदेश जाए कि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा है, हमारे लोग जो है अनुशासन में रहते हैं और कोरोना से जो मुक्ति पूरे इलाके की होगी ये भी एक हमारी बहुत बड़ी जीत है। सर, एक बार कोरोना से मुक्ति मिल गई थी लेकिन दोबारा लोगों की लापरवाही की वजह कहें या कुछ भी कि दोबारा से केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर सेकंड वेव कहीं पर थर्ड वेव कोरोना की आई है और इसके बिहेवियर के बारे में निश्चित तौर पर दुनिया की कोई भी देश नहीं बता पा रहा है। इसका एक ही तरीका है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोरोना की वैक्सीन लें। हम जरूर जीतेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक